नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों देखिए, आज हम बात करेंगे बॉटनी में झटपट सीरीज, बिल्कुल निःशुल्क बैच है। यहाँ हम बात करेंगे एम्फी क्राइबल एंड एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल की, एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल की बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए अब इसमें ये दिखाया है, देखिए इसमें क्या है, अंदर जाइलम है एम्फी क्राइबल में। एम्फीक्राइबल में अंदर क्या है, देखिए ये जाइलम है, बाहर फ्लोएम है। इसमें अंदर फ्लोएम और बाहर जाइलम है। तो मैं देखिए चल बता रहा हूँ आपको, हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल या इसका दूसरा नाम है हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक। अगर आप बेटा, अगर आप एम्फीक्राइबल जिसका दूसरा नाम हेड्रोसेंट्रिक है, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर आप जानेंगे कि एम्फीक्राइबल का दूसरा नाम हेड्रोसेंट्रिक है, कभी आपका गलत नहीं होगा। हेड्रोसेंट्रिक एक्चुअली जाइलम को हम हेड्रोम भी कहते हैं। तो वो कहाँ हो गया, सेंटर में हो गया, तो उसको सराउंड करेगा कौन, फ्लोएम। कैसे देखिए, ये आपका, देखिए ये सेंटर में क्या है आपका, ये जाइलम है। ये सेंटर में क्या हो गया, जाइलम, देखिए हो गया हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रोम सेंटर में। इसके बाहर क्या हो जाएगा, देखिए ये फ्लोएम हो जाएगा, ये फ्लोएम हो जाएगा। तो ये बाहर क्या हो गया, फ्लोएम हो गया, ये अंदर क्या हो गया, जाइलम हो गया। तो एम्फीक्राइबल को अगर हेड्रोसेंट्रिक आप जानते हैं, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए कैसे कहेंगे, इसमें कहेंगे जाइलम, जाइलम सराउंडेड, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। आप कह देंगे जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये देखिए जाइलम है, इसको सराउंड कर रहा है कौन, फ्लोएम। जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, या आप इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, देखिए दूसरे भाषा में कहना हो तो आप कह देंगे क्या, इसको आर कहेंगे क्या, फ्लोएम, फ्लोएम सराउंड दी, फ्लोएम सराउंड दी, फ्लोएम सराउंड दी जाइलम। ये दोनों चीजें एक है बेटा, देखिए जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम या फ्लोएम सराउंड दी जाइलम, फ्लोएम सराउंड जाइलम को सराउंड करता, दोनों चीजें एक हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। और इसका एग्जांपल देखिए, ये कहां पाया जाता, फर्न में। फर्न, आपको पता कि फर्न कहां आते हैं, टेरिडोफाइटा में। जो क्लास टेरोप्सिडा के मेंबर होते हैं वो फर्न कहलाते हैं। जैसे ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम, ये सब साल्विनिया, ये सब क्या है, फर्न है। तो ये फर्न में पाया जाता है क्या, एम्फीक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें एम्फी वेसल, एम्फी वेसल, एम्फी वेसल या इसको कहते हैं लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, एम्फी वेसल आर लेप्टोसेंट्रिक। अब इसमें देखिए क्या होता है, आपको पता कि फ्लोएम को लेप्टोम भी कहते हैं, तो सेंटर में कौन चला जाएगा, लेप्टोम चला जाएगा। तो देखिए कैसे, ये आपका अंदर क्या है, फ्लोएम है, लेप्टोम, और इसके बाहर देखिए क्या है, ये आपका जाइलम है, ये देखिए जाइलम है। तो ये जाइलम हो गया, ये आपका जाइलम हो गया, ये आपका देखिए जाइलम मैंने बना दिया, ये देखिए। अब ये आपका बाहर क्या है, ये जाइलम है, ये अंदर क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे, इसमें हम कहेंगे फ्लोएम, फ्लोएम सराउंडेड, फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम। या हम ये भी कह सकते हैं, और क्या कहते हैं, जाइलम
जाइलम सराउंड दी, जाइलम सराउंड दी फ्लोयम। ये देखिए हमने कहा इसमें देखिए फ्लोयम सराउंडेड बाय जाइलम या जाइलम सराउंड दी फ्लोयम, दोनों चीज एक है, फ्लोयम सराउंडेड बाय जाइलम या जाइलम सराउंड दी, जाइलम सराउंड दी क्या फ्लोयम। ये हो गया एम्फी वेसल या लेप्टोसेंट्रिक। मतलब आप एम्फी क्राइबल को हेड्रोसेंट्रिक जानेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, आप एम्फी वेसल को लेप्टोसेंट्रिक जानेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। लेप्टोम फ्लोयम है वो सेंटर में है, तो बाहर कौन होगा जाइलम होगा, हेड्रोम सेंटर में है, हेड्रो मतलब जाइलम अंदर है, तो बाहर कौन होगा फ्लोयम होगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या, इसमें आपका ड्रेसिना, ड्रेसिना, ड्रेसिना में पाया जाता है यूका और एलोए, ड्रेसिना यूका एलोए में पाया जाता है, ये तीन एग्जांपल हैं ड्रेसिना यूका और एलोए। तो बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बायोलॉजी में, NVS, KVS बायोलॉजी में, DEEE, EMRS बायोलॉजी में, तो आप मुझसे टीचर्स एकेडमी पर जुड़ सकते हैं। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।